बॉलीवुड या इंडियन टेलीविजन में चले गए तो कोई एक्टर ना रीजनल प्रोजेक्ट या रीजनल सिनेमा की ओर नहीं देखता। खासकर मैं हिमाचल की बात करूं, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, बट जब मैं हिमाचली गाने करके अपने दोस्तों को भेजता हूँ ना, इनिशियल टाइम पे मेरे दोस्त मुंबई के जो बेसिकली फ्रॉम हिमाचल, क्या पहाड़ी गाने करके आ गया तो अपना नाम खराब कर रहा है, छोटा कर रहा है, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है हमें। तो मैं आपको बताऊं, मैंने अपने जीवन का शुरुआत जो की है ना, वो किया इन लोगों को देखकर। ये भाई हो गए अपने रमेश भाई वगैरह, तो अगर ये लोग उस वक्त यहाँ वीडियो नहीं बनाते तो हमें ना पता भी नहीं चलता कि मॉडलिंग एक्टिंग में हम करियर भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत कम एग्जांपल्स थे। रोडू बैट से हमारी बैट से प्रीति जिंटा जी थे, अदरवाइज उसके अलावा कोई ऐसा नहीं था। इन लोगों ने शुरुआत की, इन लोगों ने घर घर सीढ़ियां बनती थी, हर इंसान ने यहाँ हिमाचल वालों ने कमलेश भाई को देखा, रमेश भाई को देखा, डाबेराम भाई कहाँ है, आपके बगैर तो अकेले अगर हो तो आइए प्लीज, इन लोगों को देखो। और मैं पंजाब में रहता था जब मैंने पहली बार पहाड़ी गाने सुने, बचपन से पापा आर्मी में थे तो हमारी एजुकेशन इंग्लिश स्कूल में, तो पहाड़ी का वातावरण बना नहीं था बचपन से। तो पंजाब में मैंने सबसे पहला गाना सुना था अपनी लाइफ का पहाड़ी, वो था चंद्रमणि। तो दैट्स व्हाई चंद्रमणि मेरा दिल के करीब, और इस बार हमने उसे शूट किया। शांता लाड़ी, ऐसे ऐसे गाने, मतलब भाइयों को देखकर हमें क्रेज आया। और थैंक यू भाई, आप लोग हमेशा हिमाचल के लिए खड़े हो, और हमें ये कोई दुख नहीं है या मैं छोटा नहीं हो जाता बोलने के लिए कि हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया। अगर आप जैसे लोग नहीं होते उस वक्त तो मेरे जैसा लड़के भी नहीं होते। तो यही आंसर उन लोगों को देता था कि भाई भाई आप चाहे हमीरपुर से हो, अगर आप किन्नौर से हो, आप मूवीज कर लो यार, आप हजार फिल्में कर लो, जैसा यहाँ पर अंत नहीं है। अमिताभ बच्चन जी आज तक सीख रहे हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो हमेशा अगर अपने आप को शून्य समझोगे, और करते हुए एक एक्टर का एक पहाड़ी का मेरा सबसे पहला यही है कि मैं हिमाचल के लिए क्या कर रहा हूँ। मुंबई हमें पैसा दे रही है हमारे काम का, बट हम यहाँ पहाड़ी हम क्या कर रहे हैं यहाँ के लिए, कुछ नहीं। तो मैं हमेशा